दोस्तों रियलमी 2 इतना बदनाम हुआ कि मुन्नी को भी पीछे छोड़ दिया। मुन्नी भी इतना बदनाम नहीं हुई थी जितना रियलमी 2 को लोग बदनाम कर रहे हैं। मुन्नी बदनाम हुई, इतना काफी नहीं था दोस्तों कि अब जो है शाओमी अपना मुन्ना ला रहा है, यानी रेडमी 6 प्रो को लॉन्च कर रहा है इंडिया में, और अब जो है Realme 2 की और भी वाट लगने वाली है, क्योंकि Xiaomi का Redmi 6 Pro जो है ये भी 10,000 के प्राइस में लॉन्च होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपको ज़्यादा मिल रही है, जैसे कि आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इसमें, और प्रोसेसर जो है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, Snapdragon 625 का मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में, डिस्प्ले के मामले में जो है Redmi 6 Pro बेटर होने वाला है, और मुन्ना जो है दोस्तों बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाला है मुन्नी को। तो ऐसे में दोस्तों देखते हैं क्या मुन्नी टिक पाती है मुन्ना के सामने, या फिर मुन्ना जो है बाजी मार जाएगा। थोड़ा फनी वे में बनाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आपको अगर पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए छोटा सा कंपैरिजन करते हैं मुन्ना और मुन्नी के बीच में, और देखते हैं कि कौन जीतता है। यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि Realme 2 का नाम मैंने यहाँ पे मुन्नी रखा है, और Redmi 6 Pro जो है दोस्तों उसका नाम मैंने यहाँ पे मुन्ना रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुन्ना और मुन्नी की डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन के मामले में दोस्तों दोनों ही फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन लुक वाइज अगर आप देखें दोनों फ़ोन को एक साथ, तो आपको Realme 2 का जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम लगेगा, डायमंड कट डिज़ाइन होने की वजह से और ग्लोसी लुक होने की वजह से। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में Redmi 6 Pro आगे है, क्योंकि इसमें आपको मेटल डिजाइन देखने को मिलता है। तो ऐसे में बिल्ड क्वालिटी के लिए Redmi 6 Pro बेटर है, Realme 2 में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है, तो वो जो है इतना ड्यूरेबल नहीं है जितना कि Redmi 6 Pro का मेटल बॉडी है। यानी लुक वाइज जो है मुन्नी दिखने में अच्छी लगती है और मुन्ना जो है ड्यूरेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों ही फोन में जो है आपको नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो आजकल का ट्रेंड भी है। और डिस्प्ले की अगर बात करें तो Redmi 6 Pro यानी मुन्ना आता है फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, यहाँ पे आपको 5.84 इंच की डिस्प्ले मिलती है। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं मुन्नी की यानी Realme 2 की, तो Realme 2 में आपको मिलता है 6.2 इंच का डिस्प्ले, और ये एक HD प्लस डिस्प्ले है दोस्तों, फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में डिस्प्ले के मामले में दोस्तों Redmi 6 Pro यानी मुन्ना जो है यहाँ भी स्ट्रांग है, और Realme 2 से यानी मुन्नी से आगे निकल जाता है। डिजाइन और डिस्प्ले के मामले में बस इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि मुन्नी दिखने में सुंदर है लेकिन उतनी ड्यूरेबल नहीं है जितना मुन्ना है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोनों ही फोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, और दोनों ही फोन में जो चिपसेट यूज किया गया है वो है स्नैपड्रैगन का। अगर हम बात करते हैं Redmi 6 Pro की, तो उसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 625 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, वहीं पे Realme 2 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 450 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो परफॉर्मेंस के भी मामले में क्लियरली यहाँ पे जो हमारा मुन्ना है यानी Redmi 6 Pro वो आगे है, और परफॉर्मेंस आपको बेटर जो है Redmi 6 Pro में मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों फोन के कैमरास को लेके। तो Realme 2 यानी मुन्नी में आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्यूटी मूड्स देखने को मिल जो आपके फेस को और भी चिकना बना देंगे, और आप जो हैं जितना अच्छे लगते हैं उससे डबल ट्रिपल फोरपल कितना जो होगा मुझे पता नहीं है उतने अच्छे लगेंगे। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें Redmi 6 Pro की, तो Redmi 6 Pro में आपको मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, और जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पे सिर्फ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यानी मुन्ना का जो थोपड़ा है ना वो इतना अच्छा नहीं लगेगा मुन्नी के मुकाबले में। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है मुन्ना का थोड़ा अच्छा होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था ये फ़ोन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, Xiaomi को यहाँ पे इस बात के लिए सोचना चाहिए था। तो कैमरास के मामले में यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं बहुत जल्द जो है इन दोनों फ़ोन का कैमरा कंपैरिजन करूँगा, तो वहाँ पे आपको बता दूंगा कि कौन सा कैमरा आपको ज़्यादा अच्छी फोटो क्लिक करके दे सकता है। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं रैम और स्टोरेज वेरियंट की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको 3GB 32GB और 4GB 64GB के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब अगर बैटरी को लेकर बात करें दोस्तों, तो पावर किस में ज़्यादा है, मुन्ना में या फिर मुन्नी में, तो Redmi 6 Pro में आपको मिलती है 4000mAh की बैटरी। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि डिस्प्ले जो है थोड़ी सी छोटी है, 5.84 इंच की डिस्प्ले आपको मिलती है, वहीं आपको Realme 2 में मिलता है 4230mAh की बैटरी, लेकिन जो डिस्प्ले साइज है दोस्तों Realme 2 की वो थोड़ी बड़ी है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत तो डिफरेंट आपको बैटरी लाइफ में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है दोनों फ़ोन की बैटरी लाइफ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बाकी अदर चीज़ों की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही
फोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक और बाकी जो बेसिक सेंसर्स हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके बाद फेस अनलॉक का फीचर, उसके बाद जो है और भी बहुत से सेंसर हैं जो भी नेसेसरी सेंसर हैं वो आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोनों ही फोन में दोस्तों आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा। टाइप सी की उम्मीद तो हम इन दोनों कंपनी से इस प्राइस में कर भी नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोनों फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन जो है एंड्रॉइड 8.1 ऑडियो पे रन करते हैं। Realme 2 में आपको कलर OS 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि Redmi 6 Pro में आपको MIUI 9 देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही फोन में दोस्तों आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे डुअल ऐप का फंक्शन, ऐप हाइड करने का फंक्शन और भी तरह तरह के फंक्शन जो है आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं मुन्ना और मुन्नी के प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे जो बेस वेरियंट है Realme 2 का वो आता है 8,990 रुपये में। हायर वेरिएंट है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आता है, वो है 10,990 रुपये में। अब अगर हम बात करते हैं Redmi 6 Pro के प्राइस को लेके, तो Redmi 6 Pro जो है 5 तारीख को लॉन्च होगा, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो है 9,999 रुपये 3GB 32GB के लिए, और जो 4GB 64GB के लिए उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 12,999 रुपये। तो ऐसे में मुन्ना की प्राइस जो है हाई रहने वाली है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मुन्नी जैसा लुक चाहिए तो फिर आप जो है Realme 2 के साथ जाइए, लेकिन अगर आप सख्त लौंडे हैं तो आप जो है Redmi 6 Pro के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे Redmi 6 Pro की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, फोन काफी अच्छा लगा Redmi 6 Pro, यानी मुन्ना जो है काफी अच्छा लगा, सख्त लौंडा था, लेकिन एक चीज जो है कमी कर दी गई है यहाँ पे, वो है इसका फ्रंट कैमरा। आज के डेट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा कहाँ से अच्छा लगता है, कम से कम 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होता तो ये जो है पूरी तरह से हावी हो जाता मुन्नी पे। लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले फुल HD प्लस मिलती है, उसके बाद जो है प्रोसेसर भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है Realme 2 के मुकाबले में। तो Realme 2 से तो बेटर है ये फ़ोन, लेकिन फ्रंट कैमरा जो है थोड़ा सा इम्प्रूव होता तो और भी अच्छा हो सकता था। लेकिन Realme 2 यानी मुन्नी को उतना भी बदनाम मत करो यार, क्योंकि उतना भी बदनाम नहीं है जितना लोग कर रहे हैं, क्योंकि Realme 2 भी आपको 1000 सस्ता में मिल रहा है, ये भी आपको देखना है। तो 1000 रुपये अगर आप कम दे रहे हैं तो आपको अच्छा लुक मिल जा रहा है, साथ ही जो है आपको अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, और ओवरऑल अगर चीज़ें देखें तो ठीक ही ठाक है। तो बस यही छोटा सा फनी कंपैरिजन था दोस्तों इन दोनों फोन्स के बीच में। अगर आपको कम प्राइस में मुन्नी जैसा लुक चाहिए दोस्तों तो आप जो है डेफिनेटली Realme 2 के साथ जाइए, लेकिन अगर आप सख्त लौंडे हैं तो वहाँ पर आप Redmi 6 Pro के साथ जा सकते हैं। दोनों ही फ़ोन अपनी जगह में ठीक है, कोई भी फ़ोन को हम ज़्यादा ख़राब नहीं बोल सकते हैं, और दोनों ही फ़ोन में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो ऐसे में उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटा सा फनी कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए